गया है और इनका मैंने दो साल में विचार रखे थे, बोले भाई चोरी तो दी गया और मैंने कोई पैसा कोई लेना देना नहीं, मैं कभी माला लेके नहीं गई। और कुछ लोग आपने देखे भी हैं, पांच रुपये माला कोई गलन ली खड़ा हो रहा ना तो उनको भाई ये सुना जो पैसा में सुना बांट दे हैं। और लेकिन इनके परिवार का ये एक बहुत बड़ा हमारे इलाके के लिए और हमारे लिए भी गर्व की बात है। और ऐसी नेत्री जो है आपके बीच में है और मेरे छोटे से बुलाव पर मैंने फोन ही करा था चेयरमैन साहब के पास और उसके पास आपने राजनीति चुनाव से पार है कितनी व्यस्तता बीच में छोड़ के आए हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ यहाँ सभी आर्य जनों की तरफ से भी और गांव की तरफ से भी। तो आप यहाँ आए हैं, मैं चाहूंगा कि भाई वो स्टेज संचालक है को बुलवा दो यहाँ पर आए हुए हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मंच के ऊपर अभी बता रहे थे स्वामी रामवेश जी को भी मेरा बहुत बहुत छत छत नमन स्वामी जी आपको। और क्षेत्र से है अनुराधा जी से, तो बहुत भी आपका बीमारी में आने के बहुत बहुत आपका भी स्वागत। मैं तो केवल एक दो बातें कहूंगी क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी परिवर्तन रथ यात्रा जो है वो चल रही है, तो उसका आज जीवन के अंदर जब हम पैदा होते हैं उसके बाद इतना मेहनत करके 60 साल की उम्र में बाबूलाल जी ने कहा कि आज मैं 60 साल का हो गया और पूरे मेरे को रिटायरमेंट मिल गई है। तो बाबू राम जी आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 60 साल पे आपको रिटायरमेंट हो गई, मैं भी 60 की हो रही हूँ मेरे को तो रिटायरमेंट नजर ही नहीं आती सारा सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हैं। लेकिन आपने जो मेहनत करी है, जो आपने अपनी ऊर्जा इस देश के प्रति दी, परिवार के और अपने इलाके के प्रति, वो हमेशा जो है लोगों को याद रहेगी। और आर्य समाज की बात तो जितनी करी जाए उतना ही कम है, हम भी आर्य समाजी हैं और चौधरी बंसीलाल जी तो पूरी तरह से आर्य थे और उन्हीं के रास्ते में दिखाए हुए रास्ते में मैं और श्रुति जो है चलते हैं। आप जानते हैं ईमानदारी से, मेहनत से, सत्य वचन से और छत्तीस बिरादरी के, तो ये हमारा काम है। कोई आडंबर नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई झूठ नहीं है और कोई लांछन एक आदमी ने आज तक नहीं लगाया स्वामी जी। ये राजनीति जो है वो एक सेवा का माध्यम के रूप से मैं करती हूँ और मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए वो मेरा सौभाग्य है। और चौधरी बंसीलाल जी का और सुरेंद्र सिंह जी का नाम आज ऊपर रहे। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि भी है, 14 साल हो गए उनको गए हुए। तो मैं हमेशा एक ही बात सुबह उठते ही मेरे जहन में आ जाए कि कुछ मैं कर पाई या नहीं कर पाई, कि सुरेंद्र आज जहां भी हैं वो देख के खुश रहे होंगे या नहीं। तो मेरे अपने अंतर आत्मा की आवाज आई कि 15 साल में संघर्ष करा है, ईमानदारी के साथ करा, अपने लोगों के लिए करा, अपने इलाके के लिए करा है और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करा। तो ये अगर मेरे लोग इस बात को पहचाने तो ये सबसे बड़ी जो है मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सामने जो है आज चुनाव का मौसम है, आप जानते हो 12 तारीख को वोट पड़ने वाली है। आपकी अपनी बेटी जो है श्रुति चौधरी वो चुनाव लड़ रही है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमारी दो बहने यहाँ पे, दोनों आर्य मुकेश क्या नाम है परमेश और गुना, दोनों यहाँ पे आई हुई है भिवानी के अंदर। महिलाएं और बेटियां, बेटियों को जितना ज्यादा बढ़ावा दिया जाए उतना मैं समझती हूँ कम है, क्योंकि हमारे जो ये पॉपुलेशन है उसका 50% जो अंग है वो महिलाएं, और अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी उनको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो ये जो है कम्युनिटी जो है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकती। तो ये हमारा दायित्व है और अब तो मैं समझती हूँ कि हमेशा बहनें बेटियां जो हैं आगे बढ़ चढ़ के काम करती हैं
और किसी से कम नहीं। मैं तो हमेशा एक बात कही है कि मेरी बेटी जो है 100 बेटों के बराबर, सच्ची बात है। तो ये बेटा बेटी के अंदर कोई फर्क नहीं। और हमारे को माँ बाप को जो भी जिनकी बेटियां हैं सोचना चाहिए कि सौभाग्य है, क्योंकि बेटियां जो हैं जो माँ बाप के लिए करती हैं आगे जाके करती हैं। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे कोई कम है, लेकिन बेटियां जो हैं वो एक अंश जो है उनको मैं ज्यादा आंकू, और इसमें कोई दूसरी बात है नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ सन इज अ सन टिल ही टेक्स अ वाइफ एंड अ डॉटर इज अ डॉटर थ्रू आउट योर लाइफ, कि मतलब बेटा तो जो है बेटा रहता है जब तक बहू ना आ जाए भाई, ठीक से। और बेटी जो है वो भाई सारी उम्र तक जो है सारी बेटी रहती है। सही बात है, ये बात बुढ़ापे में आके जो है ना मेरा बढ़ता है भाई, उससे पहले कौन जो धमाके पीट हो गए छोरे खातर है जब पैदा होगा, और छोरी खातर जो है कौन। बात यहाँ है कि हमने जो है बेटियों को बराबर का दर्जा देना है, उनको आगे बढ़ाना है, और बेटियां किसी से कम नहीं है, और उनको अगर शिक्षित हम करेंगे तो बहुत आगे हमारी बेटियां जो है बढ़ सकती हैं। आप मेरी तरफ देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बाहर विदेशों के अंदर जो है मैंने अपनी वकालत करी है, और आज यहाँ खड़ी हूँ और डट के जो है हर एक चीज का सामना इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास शिक्षा मेरे माँ बाप ने दी। बेटियों को आगे बढ़ाओ, ये आपका मान सम्मान हमेशा आगे बढ़ाएं। स्वामी जी आज यहाँ पधारे हैं, सहदेव जी यहाँ पधारे हैं, ये भजन कीर्तन करेंगे। मेरे पास समय होता तो मैं तो बहुत खुद बज रही हूँ, बहुत जबरदस्त गा रही हूँ मैं, राम का नाम लेती हूँ बहुत जबरदस्त। कौन सी रहे आप, कौन सा कर रहे थे? बहुत सारे जुड़े हैं साहब, एक करो चलो जी आप, चलो आप करिए, आप चलो आप करिए, मैं आगे निकलना है सहदेव जी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत वो है। लेकिन जो प्रभु प्रभु के चरणों में मेरी तो केवल एक ही प्रार्थना होती है कि हे माँ वो कृपा करना कि तेरा कर्म मैं कर पाऊँ। कर्म हमारा है, अगर वो कर्म हम अपना पूरा करेंगे और सत्य कर्म करेंगे वो मैं कर्म करूं मैया जिससे तू मुझ पर रीचे, ये कहकर छोड़ दो और उसमें छोड़ दो और वो अपने आप संभाल लेता है। अपनी नियत ईमानदारी से काम करो, कोई सी चीज का और काम ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं। और जहां पे हो सके लोगों का भला करो, लोगों का फायदा करो, इससे बढ़ के कोई कर्म नहीं। जीवन के अंदर यही बात लेकर मैं चलती हूँ और आपसे भी आशीर्वाद मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं बहन जी, इसी तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहे और आगे बढ़ती रहे। हम सब स्वामी जी का भी आशीर्वाद। बोलो। अभी अभी बहन जी ने बताया कि हमारे जो आदित्य थे सुरेंद्र सिंह जी, आपने बहुत से राजनीति देखे हूँ में पितृ भक्त का कोई किसी से जानकारी लेनी हो तो सुरेंद्र सिंह से सीखिए। कभी भी उन्होंने माननीय चौधरी रविंद्र जी के कहे को नहीं मोड़ा, थी उनके अहित में जाती हो बात, लेकिन वो उनके साथ लगे रहते थे। उनकी पितृ भक्ति को देखते हुए वो एक महान आत्मा थी और वो हमारे आज बीच में नहीं है। घर में कई बार आने का मौका मिला है उनको, लेकिन वो बड़ा ध्यान रखते थे कार्यकर्ताओं पे, वो बीच में रहते थे। और फुलवारी जो है आज फूल रही है, और मैं मैडम जी से प्रार्थना कर, लेकिन एक नई जिंदगी शुरू हो रही है और ये प्रभु के चरणों में के लिए भी है, उसकी आराधना के लिए भी है, और देश सेवा के लिए और अपने इलाके की सेवा के, ठीक है ना? तो आगे बढ़ो। के हमने जो ये कार्यक्रम रखा है, आप पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद।